शेख और रईस बू अली सीना। हाँ वही बू अली सीना जिसका तावान 7,000 दिनार है। मैं नहीं जानता, मेरा काम इसे 7 देहातों से गुजार कर ले आना था, सो ले आया। नीचे उतरो।
तारा हुसैन को आलिम फाजिल बनाना चाहती है। अगर खुदा ने चाहा तो मैं तुम्हें एक बड़ा ताजर बनाऊंगा। हम कहाँ जा रहे हैं मामू? अपनी सरनविश की तरफ। तुम अपने माँ बाप के लिए उदास हो? उनके लिए भी और हुसैन के लिए भी। तुम ठीक कहते हो। किस लिए आए हो? मैं महमूद इब्ने सीना हूँ। शेख उर्रईस को आजाद कराने के लिए आए हैं। उसकी आजादी सुल्तान महमूद गजनवी के हाथ में है, जब वो 7,000 दिनार हमारे हवाले कर देगा। जानवरों पर सोने की थैलियां लदी हैं, 7,000 सिक्के। क्या तुम्हें सुल्तान ने भेजा है? हम सब हमदान के ताजिर हैं। वाकई सोना है। हम नायब उल हुकूमत की तरफ से खत भी लाए हैं। खत की जरूरत न थी, बात यह तय पाई थी कि जो भी दीनार अदा करेगा हकीम को ले जाएगा। इन्हें गिन लो। सोचा लेकिन यह बात नहीं समझ सका कि इस शख्स की अहमियत 7,000 दिनार क्यों है। अगर मैं होता तो उसके 7 दिरहम भी ना देता। हम उसकी बातें बिल्कुल नहीं समझ पाते। उसने कभी इजहार नहीं किया कि वो कैद खाने में नाखुश है। मेरे ख्याल में वो दीवाना है, दुआएं मांगता रहता है या लिखता रहता है। एक बार उसने एक अजीब गरीब दास्तान मुझे सुनाई, सारी की सारी बेमानी थी। न तो उसकी अक्ल सही है और ना ही जिस्म। कहते हैं कि तबीब है लेकिन खुद कोलंच के मर्ज में मुब्तला है। अगर तुम महसूस करो कि इस सौदे में तुम्हें पछतावा होगा तो तुम उसे छोड़कर जा सकते हो। हम ऐसा नहीं सोचते। हाँ, मैंने सच तुम्हें बता दिया है, अब तुम जानो। एक आदमी मेरे साथ आए और हकीम को अपनी तहवील में ले ले।
इस तरफ से नीचे चले जाओ। हकीम, तुम्हें लेने के लिए आए हैं। लेकिन आज तारीख क्या है? 14 शव्वाल 426 हिजरी। मुझे यकीन नहीं था कि मसूद गजनवी के एलसी आ जाएंगे। रकम ले आए हैं? नहीं, वो ये रकम नहीं लाए। मैं जानता था कि गजनवी मेरे लिए इतनी रकम हरगिज नहीं देंगे। मैं आया हूं। मसूद भी अपने बाद महमूद की तरह खसीस आदमी है। भाई, मैं खुदा के फजल से तुम्हें आजाद कराने आया हूं। खुदा के फजल से ही तुमने मुझे पा लिया। लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। मेरी आजादी के लिए उन्होंने तावान रखा है। मैंने तुम्हारा तावान भर दिया है। 7,000 दीनार? हाँ। तुमने कैसे फराहम किए? यकीनन तुमने उन्हें फराहम करने में बहुत तकलीफें उठाई होंगी। वाकई तुमने सारी रकम दे दी? जब वो मेरे तावान से मायूस हो जाते तो खुद ही मुझे आजाद कर देते। इस ख्याल से कि वो मायूस हो जाएं, हमने चंद साल सब्र किया। हमदानियों ने इस रकम को फराहम करने में मेरी बहुत मदद की, लेकिन वक्त बहुत हो गया है। अब हम चलें। हो सकता है उनकी राय बदल जाए, और ये भी हो सकता है कि सुल्तान मसूद के एलची किसी वक्त भी यहाँ पहुंच जाएं। मसूद की बात एक तारीखी झूठ है। मुझे यकीन नहीं है कि वो मेरे लिए 7,000 दीनार देगा। वो वादे वईद करेगा, लेकिन उन्हें कभी पूरा नहीं करेगा। इसका बाप महमूद भी ऐसा ही था। लेकिन हमदान के लोगों ने मेरे बारे में बहुत गलती की। मैं 7,000 दीनार के तावान जितनी अहमियत नहीं रखता। ये क्या बात? तुम जानते हो महमूद, मेरे कैद होने में भी बेहतरी हुई। मुझे शम्सुद्दौला से निजात मिली, और इतनी फुर्सत भी मिली कि मैं 3 किताबें लिख सकता। मैंने लिखने के सिलसिले में बहुत तकलीफें उठाई, लेकिन तुम्हारे दिए हुए कागजों ने मेरी बहुत मदद की। मैंने हय इब्न यकजान, किताबुल हुदाया और किताब कुलंज लिख डाली। लेकिन कुलंज पर मेरी किताब मुकम्मल नहीं हुई। अभी आधे दिन का काम बाकी, शायद 1 दिन का। लिखने के लिए बहुत वक्त पड़ा है। अब हमें चलना चाहिए, ऐसा ना हो कि उनकी राय बदल जाए। मुमकिन है कि सुल्तान मसूद के एलची ज्यादा रकम के साथ यहाँ आन पहुंचे। मेरे पास वह ज्यादा वक्त नहीं है। मैं बीमारी से बच ना सकूंगा। बेहतर है कि कुलंज पर किताब को खत्म कर दूं। तुम्हारा मतलब यह है कि तुम आजाद होना नहीं चाहते? महमूद मेरे भाई, मैं अब भी आजाद हूँ। मुझे इजाजत दो कि मैं कुलंज पर भी अपनी तहरीर मुकम्मल कर लूं। मैं तो खुद कई साल से इस मर्ज में मुबतला हूँ, मुझे इसे मुकम्मल कर लेने दो। मैंने चंद साल पहले इरादा किया था कि कुलंज के बारे में किताब लिखूंगा। अब फुर्सत मिल गई है। अगर तुम कहते हो तो मैं चलता हूं। दारोगा साहब, क्या हम यहाँ आधा दिन और आपके मेहमान रह सकते हैं? क्या इसका पागलपन तुम में भी सराहित कर गया है? ठीक है, रह सकते हो। आओ बैठ जाओ। हाँ,
हुसैन मेरे भाई, वादा करो कि फिर शम्सुद्दौला के पास नहीं जाओगे, उसके पास और ना ही किसी और सुल्तान या खान के पास। तुमने मेरा तावान जो दे दिया है, अब इससे शम्सुद्दौला दोबारा हुकूमत हासिल कर लेगा। वादा करो उसके पास नहीं जाओगे आखिरी उम्र तक। हाँ उम्र रही तो। वादा करो कि उससे दूर रहोगे। वादा करता हूँ, बशर्ते कि मेरी तकदीर ने भी मेरे साथ यही वादा किया। तुम्हें यकीन है कि वो अब भी गर्मसीन में होगा? मुझे यकीन नहीं है, लेकिन निशानियां उनका पता दे रही है। अगर उसे पता होता कि हमने दोबारा हुकूमत हासिल कर ली है तो वो फिर हमारे पास आ जाता। मेरी आरजू है कि जहां तक हो सके उसकी दिलजोई करूं। गर्मसीन अब कितनी दूर है? 1 घंटा लगेगा, हमदान से ज्यादा दूर नहीं है। चलो चले। इनसे पूछ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। भाइयों, हम यहाँ अजनबी हैं। कुरमई सीन में हकीम बोले सीना का मतिब कहाँ है? हम नहीं जानते। उसका पता क्या है? बोले सीना नाम के एक हकीम कुरमई सीन में मतिब करते हैं। अमीर शम्सुद्दौला उनसे मिलना चाहते हैं। मैं उसका नाम तो नहीं जानता, लेकिन कुरमई सीन के मगरिब में एक हकीम का मतिब है। ज़ुबान दिखाओ। मेरे भाई, तुम बड़ी लंबी उम्र पाओगे। काश ये बात किसी ने मुझसे कही होती। अनिल शम्सुद्दौला अपने हमराइयों के साथ हमारे गांव में आया है, वो आपको ढूंढ रहे हैं। मेरे ख्याल में आप इसमें सीना है। तुमने पता बता दिया? नहीं, उन्होंने बच्चों से नहीं पूछा। अगर आप उनसे बचना चाहते हैं तो जल्दी करें, वो यहाँ पहुंच जाएंगे। हुसैन, वो वादा जो तुमने मेरे साथ किया था तुम्हें याद है?
तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम दोबारा शम्सुद्दौला के दरबार में नहीं जाओगे। अब जल्दी करो। अगर मैं ही बू अली सीना हूं तो मुझे बू अली सीना का रवैया अपनाना चाहिए। सुना है कि बू अली मरीजों के मुआलजे को फरार होने की जल्दी पर मुकद्दम जानता है। मैं सारी उम्र उमरा और सलातीन से भागता रहा और वो तमाम उम्र मुझे ढूंढते रहे। आओ। क्या आप ही बू अली सीना हैं? आओ, आओ तुम जरा पानी पी लो, तुम बहुत ज्यादा दौड़ के आए हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम शायद गलती से यहाँ आ गए हैं। गलती से नहीं आए हैं। बू अली सीना तुम हो? मैं चाहता हूँ बू अली सीना बनूं। हकीम कहा है किस बीमार की आदत को गए हैं? वो बीमारों को देखने गए हैं। सारे गांव की तलाशी। वो कर्मसीन में नहीं है, वो इस्फहान की तरफ चले हैं। हमें उनके कर्मसीन में होने की खबर मिली थी। एक हकीम कर्मसीन में आए और चले गए। मैं नहीं जानता वो बू अली सीना थे या ना थे। जाते वक्त उन्होंने मुझसे कहा कि बू अली सीना ने इल्म हासिल करने के सिलसिले का आगाज कुरान और अदब से किया, लेकिन वो उसे मुकम्मल ना कर सके। मैं भी चाहता हूँ उसी तरह करूँ। मैं चाहता हूँ उन्हीं जैसा बन जाऊं। मैं उनके कलम को पहचानता हूँ। हकीम यहाँ थे? ये मेरा कलम है, उन्होंने मुझे तोहफे में दिया था। उन्होंने कहा था कि बू अली में और दूसरों में कोई इम्तियाज नहीं, सब मेरी तरह है, सब तुम्हारी तरह है, क्योंकि इम्तियाज तो मार्फत के लिए कोशिश करते रहने और काम को जारी रखने में है। और अब मैं भी चाहता हूँ कि बू अली सीना बन जाऊं। मैं यकीन से कहता हूं कि वो खुद हकीम बू अली सीना ही थे। मैं उनकी तलाश में रवाना होऊंगा। हाकिरमान, इस्फहान या कहीं भी होंगे। मेरे बेटे तुम भी इस कलम को हिफाजत से रखना, कि ये बहुत कीमती है। इसलिए नहीं कि ये शेख उर्रईस बू अली सीना का कलम है, बल्कि इसलिए कि उन्होंने इस कलम से लिखा। उनके बाद अब कलम क्या लिखेगा? मैंने सुना है कि बू अली सीना भी अपने बचपन में हाजिर जवाबी में अपनी मिसाल आप था। चले अमीर, मुझे इजाजत दें ताकि मैं अपने सफर का रास्ता पकड़ूं। मैं शेख उर्रईस के पीछे जाऊंगा। इस्फहान की तरफ? इस्फहान, इराक, शाम, जहां कहीं भी वो जाएंगे। अगर तुम उन्हें पालो तो मेरी तरफ से माजरत तलब करना। खुदा हाफिज़।
चलो। देखें इसके बाद ये क्या लिखेगा। हाँ, जिंदगानी का अर्ज उसके तूल से ज्यादा अहम है। मैंने तुम्हें बहुत देर से पाया, अब ज्यादा देर तक मेरे पास रहो। अब तो चल चलाओ है, हर चंद मैं दुनिया में बहुत देर रहा। दो नीम किया सर्रे को समझा न जरा, दिल चमके तो हजारों खुशी, कल तक न लेकिन पहुंचा। महमूद, महमूद, मैं बताता हूँ कि हमारा जिस्म मिट्टी से बना है, मिट्टी में दफन हो जाता है और मिट्टी बन जाता है, लेकिन हमारी रूह हमारी मिट्टी से नहीं बनी कि वो मिट्टी हो जाए। बस वो जिंदा है, ही जिंदगी का आगाज है।